సంభ్రమ భ్రమనిలింప నిర్చరి విలోలలుని వల్లరి విరాజమాన మూర్ధని धगत 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 ज्वल ललाट पट पाव के किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतीक्षण मम। कौन है वो, कौन है वो, कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सब छाया। उसकी भुजाएं बदले कथाएं, भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया। देख तो कौन है ये। 12 साल के करियर में आपने हजारों से ज्यादा फिल्में कर ली, आई थिंक 1300 से ज्यादा कॉन्सर्ट कर लिए, ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। इस अचीवमेंट को क्या देखते हैं? लेकिन एक और चीज है, आपका जिंदगी भी काफी स्ट्रगल, मतलब उतार चढ़ाव बहुत है, तो कैसे आप जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो क्या नजर आता है सबसे ज्यादा आपको? नहीं, मुझे एक बहुत प्यारी बात नजर आती है कि जो दाना मिट्टी में गलता है एक दिन वही फलता है। देखिए, गले बिना फलना संभव नहीं, पहली बात तो ये है। आपको जीना है तो मरना पड़ेगा, ये एक विधि का विधान है। और यदि आप सोचें कि मैं प्रोसेस लांग कर अचानक 9 महीने ना रहूं गर्भ में फिर भी पैदा हो जाऊं, वो नहीं हो सकता। आपको प्रोसेस तो पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि आप कितनी भी टेक्नोलॉजी में चले जाएं, आप प्रकृति को कभी चैलेंज कर नहीं पाएंगे। प्रकृति एक प्रोसेस से चलती है, उसका एक अपना समय होती है, एक सारिणी होती है, एक मेथड होता है, कदम दर कदम। तो बालू की भीत बिखर गई बुरा, तेरे दाना हाथ नहीं आवे, इतना नन्हा बन मेरे बीरा कि चीटी बन चुग जावे। अगर बालू और बुरा, यानी रेत और बुरा अगर मैं मिक्स कर दूं, तो कोई टेक्नोलॉजी अभी नहीं बनी जो दोनों को अलग कर दे। लेकिन एक बहुत प्यारी टेक्नोलॉजी परमात्मा ने बना के भेजी है, उसका नाम है चीटी। वो चीटी को भेज दो, बुरा हटा देगी और जो है रेत छोड़ देगी। इश्क अनोखा है री, है मेरा प्रेम निराला हैरी। इसकी मैं आपके लिए एक्सक्लूसिव, जो मैंने अभी रिलीज नहीं किया है, बस यहीं पे रखा है। मेरी मैं खा गई जब से तू आ गई, बस बचा हूँ गो कोरा, हे बावली हे गोरा। ओ दिन ब दिन अब तेरे बिन, कांत सांसें कटती हैं गिन गिन, तेरी धुन में रहता हूँ गुनगुना के तक दिन, है मेरा इश्क अनोखा हैरी, है मेरा प्रेम निराला हैरी। आप जब भी देखते हैं, हम आपको देखते हैं कि आप हमेशा एक एनर्जेटिक के साथ रहते हैं, और इवन प्रधानमंत्री जी ने आपको स्वच्छ भारत अभियान के कैंपेन में आपको एक चेहरा बनाया है, और वो कहीं ना कहीं आपकी आवाज़ के थ्रू लोगों तक पहुंची भी है। इसको कैसे देखते हैं आप, और आगे क्या सोचा है, क्या करना है? और नहीं, देखिए, मैं यदि ऐसे बताऊँ कि मेरे जीवन का लक्ष्य जो मुझे भी नहीं पता था, मान लीजिए कुछ वर्ष तक, और अब यदि उस लक्ष्य को परिभाषित ईश्वर ने ही कर दिया, मेरा जो जुनून है उसी को मेरा प्रोफेशन बना दिया, यानी पैशन ही मेरा प्रोफेशन है। एंड आई लव व्हाट आई डू, एंड आई डू व्हाट आई लव। ऐसा बहुत कम भाग्यवान लोग पृथ्वी पर पाए जाते हैं। इस दुनिया में बड़े बड़े लोग डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, MBA बन जाते हैं, लेकिन दे आर नॉट हैप्पी व्हाट दे डू। तो वो स्ट्रेस में होकर वीकेंड्स पे मूवी वगैरह देखते हैं फैमिली के साथ, और उसी तरह से यू नो अनवील करते हैं अपने आप को थोड़ा, तो वो बताते भी हैं। तो वो एक मंडेन सी जिंदगी, एक रोज़मर्रा का जैसा एक जीवन होता है वैसा सा जीवन जीते हैं। और बहुत लोग हमें मिले हैं, बड़े बड़े उपलब्धिबाज जिन्होंने अचीव किया बहुत कुछ, और संसार में उनका बड़ा, ही इज़ अ वेरी बिग मैन। वो बिग मैन जो है वो स्ट्रेस से गुजर रहा है, और उसकी मदद कौन कर रहा है? संगीत, हम जैसों के प्यारे से भोले से गाने जिसमें ऐसे ऐसे बोल हैं।
यूं तो तेरी याद में भी स्वाद है तेरा, पर आँखों को मनाऊं किस तरह। सत या असत है मैं क्या जानूं, देखो सांसें तेरे बिना हुई गुम। कर कर मैं हारा हर जतन, तेरी तड़प तेरी ही लगन। आपके गानों से कई लोगों का थकावट है जो भी है वो दूर हो जाता है, लेकिन अगर आप कभी दुखी रहते हैं, निराश रहते हैं, तो आप किसे सुनते हैं? नहीं देखिए, मैं सुनता नहीं, यही तो मैं आपको बताता हूँ। मैं मौन हो जाता हूँ और मैं सुनना कम करता हूँ, क्योंकि इस पृथ्वी पर कोलाहल बहुत हो रहा है, बोल सब रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा। देखो सुनना भी एक ध्यान है और चुप रहना भी एक ध्यान है। जब आप चुप हो जाते हैं तो आप क्या सुनते हैं? साउंड ऑफ साइलेंस। आप शून्य को सुनते हैं और शून्य का जो स्वर है वो है ओमकार। आप अभी इस रूम में बैठिए, देखिए शांत हो जाइए दो मिनट के लिए, आपको एक वाइट नॉइज कान में आएगा जिसको शून्य का स्वर बोलूँगा मैं, साउंड ऑफ साइलेंस होता है। साउंड ऑफ साइलेंस को यदि आप मॉलिक्यूल को टाइट करते जाएंगे, टाइट करते जाएंगे और एक फ्रीक्वेंसी पे ऑडिबल बनाएंगे, वो ओम बन जाता है। तो मैं जब कभी ऐसा इस तरह का कभी मन होता है तो चुप रहता हूँ और चुप रहकर आप साउंड ऑफ साइलेंस को सुनने लगते हैं, उससे और ताजगी आती है। फिर कुछ और नया आता है, नया विचार आते ही फिर मैं ताज़ा हो जाता हूँ, फिर नया हो जाता हूँ। ऐसे ऐसे विचार आते हैं कि ढोला माही हर एक थां तेरा, राग रंग तू ही, संग संग तू ही, नदिया ब दरिया, ढोला माही हर एक थां तेरा, राग रंग तू ही हर जगह मौजूद है पर तू नजर आता नहीं। सच्ची भक्ति के सिवा, सच्चे प्रेम के सिवा तुझको कोई पाता नहीं। मुझे याद है कई बार मैं इंटरव्यू में पढ़ चुकी हूँ कि जब आप गाने के लिए शुरुआत में, जब आपने करियर शुरुआत की, तो कई लोगों ने आपको कहा था कि तुम कहाँ गायक बन रहे हो, लेकिन आज आपकी जर्नी देखे तो एक अपने आप में एक मिसाल है, तो वो चीज़ें कैसे देखते हैं आप? बहुत लोगों ने एक्चुअली हमारी वॉइस को अप्रूव नहीं किया है, हमारे स्टाइल ऑफ सिंगिंग को अप्रूव नहीं किया है शुरू में बॉम्बे में, और इस तरह का लगता था कि यार मैं कहीं, क्योंकि हम एक तो 30 वर्ष के हो गए थे तब तक, और इतना तो विलंब किया हमने इस क्षेत्र को चुनने के लिए, और तब तक हम न जाने कितने प्रकार के कार्य कर रहे थे। सुना है कि तबला भी आपने सीखा, काफ़ी कुछ चीज़ें। तबला सीखा, गिटार सीखा मैंने बहुत सारे और भी चीज़ें सीखी। मैं एक्सपोर्ट करता था पहले और दिल्ली में, फिर ये सब करते करते मैं थोड़ा दीर्घायु हो गया, 30 का हो गया, और सोचने लगा अभी तक मैं तो कुछ बना भी नहीं, और हर जगह विफलता ही मिलती है और विफलता का ही मैं एक तरह से उत्पादक हूँ, तो मैं क्या करूँ, क्योंकि ना मेरी समाज में कोई मान्यता है, ना परिवार में कोई मान्यता है, परिवार तो हम पहले ही छोड़ चुके थे 13 साल की उम्र में ही। हाँ, तो तब से तो और इज्जत घट गई थी, क्योंकि छोड़ा ही इसलिए था क्योंकि हम फिट नहीं थे अपने उस परिवेश में। और जब आप विफल होते हैं तो उनको लगता है, जैसे देखा मैं कहता था ना कि ये लड़का आवारा बनेगा, देख लो खाना खराब है, न जाने कहाँ क्या कर रहा है और नाम लजा रहा है परिवार का और ये सब। जब आप एक्चुअली होता क्या है, ईश्वर की मनोकामना देखिए कुछ और होती है और मनुष्यों की मनोकामना ऐसी होती है मनोविज्ञान। जब आप कामयाब नहीं होते तो कहते हैं कि टोटे तेरे तीन नाम, लुच्चा गुंडा और बेईमान। टोटा मतलब गरीबी, ठीक है, विफलता। विफलता तेरे तीन नाम, लुच्चा गुंडा और बेईमान।
सफलता तेरे तीन नाम आसमां से आकर गिरा परसों परसा परसों फिर भी बादल ही थे वो कहता रहा मगर के अल्लाह के बंदे हंस दे अल्लाह के बंदे अल्लाह के बंदे।